प्यारे बच्चों आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा छे का तीसरा पाठ पाठ का नाम सा था समझदार नन्हे। इसका स्वाध्याय हमने सात प्रश्न किए थे आज है वो आठवा आठवा प्रश्न करेंगे आठवा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र को देख बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा तो बच्चों ये चित्र है वो अकस्मात का चित्र है जहां पर यह चित्र अकस्मात का है और ये दो गाड़िया है वो आपस में टकरा गई है एक बाइक वाला भी एक गाड़ी से टकरा गया है और वो है वो गाड़ी के नीचे आ गया है एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर आई है और एम्बुलेंस में से तीन लोग है वो स्ट्रेचर नीचे लेकर आ रहे हैं इसके बाद क्या होगा किसके बाद ये ट्रे स्ट्रेचर वाले लोग हैं वो स्ट्रेचर लेके यहाँ पर आएंगे और ये नीचे जो गाड़ी के नीचे आदमी आ गया है उसको अपने स्ट्रेचर में लिटा कर ये एम्बुलेंस में ले जाएंगे और एम्बुलेंस में ले जाकर वो है अस्पताल ले जाएंगे अस्पताल में है वो डॉक्टर है वो उसका इलाज करेंगे तो इस चित्र के बाद ये सब होगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए तो बच्चों विराम चिन्ह यानी इनकी संधि छुट्टी करे तो होगा विराम प्लस चिन्ह विराम यानी ठहरना रुकना चिन्ह यानी निशान यानी रुकने का निशान हमें है वो अलग अलग विराम चिन्हों के बारे में जानना है यानी जहाँ जो इससे पूर्ण विराम होगा तो हम थोड़ी ज्यादा रुकेंगे अल्प विराम होगा तो थोड़ा कम रुकेंगे प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आश्चर्यवाचक होगा तो आश्चर्य चिन्ह लगाएंगे फिर कोई कुछ कोई बोलेगा तो हम है वो अवतरण चिन्ह लगाएंगे ऐसे देखते हैं बिच्छू बोला बोला उसके बाद अल्प विराम आएगा अल्प विराम यानी थोड़ी देर ठहरना बिच्छू बोला फिर दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा क्योंकि बिच्छू जो बोल रहा है वह पे लिखा है इसलिए हम जो एक व्यक्ति बोलता है वही वाक्य दोबारा लिखते हैं तो अवतरण चिन्ह में हम लिखते हैं बिच्छू बोला नन्ही बहन फिर है आश्चर्य चिन्ह आज तुम जीत गई जीत गई के बाद पूर्ण विराम आएगा फिर है दूसरा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा फिर है यह प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा क्योंकि वो पूछ रही है जब हमें कुछ जानकारी हो, लेनी होती है तभी हम है वो किसी को प्रश्न पूछते हैं प्रश्न पूछते हैं इसलिए यह प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह है इसमें क्यों कब कहा कैसे ऐसे शब्द आते हैं फिर है बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो इसमें भी प्रश्न चिन्ह आएगा फिर आगे है भलाई करना मेरा स्वभाव है इसके बाद पूर्ण विराम आएगा आगे है बहन मुझे बचा लो यह भी पूर्ण विराम आएगा फिर आगे है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो बच्चों यह एक परिच्छेद यानी एक पैराग्राफ दिया गया है इसमें से हमें नीचे दो सवाल पूछे गए हैं इन दोनों सवालों का हमें जवाब देना हे, तो है तो चलो देखते हैं ये परिच्छेद देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा इस पर इंद्र बोले पितामह हम रुद्रासुर से त्रस्त है त्रस्त यानी परेशान ये है वो स्वर्ग में जो ब्रह्मा जी बैठे होते हैं वह देवता जाते हैं और आ, हम सबको पता है कि देवताओं के राजा इंद्रदेव है तो इंद्रदेव है वो ब्रह्मा पिता को कहता है कि एक असुर है वृत्रासुर नाम का वो हमें परेशान कर रहा है अपने प्राण रक्ष अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे चार बना लेते हैं तो इंद्र जी कहते हैं कि वृत्रासुर है उसके जैसे कई असुर है वो हमसे बहुत चतुर है और बलवान भी हम अगर यदि एक अस्त्र बनाते हैं तो वो और चार अस्त्र बना लेते हैं हम उनसे पार नहीं पा सकते हम उनसे पार नहीं पा सकते इसलिए कि यही इसका यह अर्थ है कि हम उससे छुटकारा नहीं मिल सकता वो हमसे बहुत बलवान है इसलिए हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा छुड़ा सकते कृपा कर रुद्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए इसमें से अब दो प्रश्न है पहला है असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा तो बच्चों असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि असुर है वो केवल बलवान नहीं अपितु चतुर भी है हम एक अस्त्र एक शस्त्र बनाते हैं तो वो है चार शस्त्र बना लेते हैं हम उनसे पार नहीं पा सकते फिर दूसरा प्रश्न है देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए तो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास नामक एक असुर का का विनाश कोई उपाय उपाय पूछने के लिए गए। है नीचे दिए गए हुए वर्णों से पांच पांच शब्द बनाइए तो बच्चों यहाँ पे जो पांच वर्ण दिए गए हैं उन सभी वर्णों से हमने पांच पांच शब्द बनाने हैं जो इस वर्ण से शुरू होते हैं वो जैसे भ है तो भ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द होंगे भवन भावन भान भजन और भोजन फिर है वर्ण तो व वर्ण से शुरू होगा वचन वन वाहन विचार और वर्ण फिर आगे है र तो र से होगा राजन राम राधा राघव और रहम फिर न से शुरू होने वाले नगर नर नाग नरेश और नाम आगे है ग से शुरू होने वाला शब्द गगन गान गौतम गिरीश और गीत तो बच्चों हमने देखा कि ये पांच वर्ण दिए गए हैं उनसे उन सभी वर्णों ने के हमें पांच पांच शब्द बनाए हैं तो बच्चों आप भी ऐसे शब्द बना सकते हैं मैंने लिखे वो शब्द जरूरी नहीं आप भी लिखे आप कोई और शब्द भी इस वर्ण से शुरू होने वाला लिख सकते हैं तो बच्चों इस वीडियो में हम यहाँ तक सीखेंगे अगले वीडियो में हम इस पाठ की भाषा सज्जता सीखेंगे तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर